यार आजकल ये इंडिया की लड़कियों को हो क्या गया? दिल्ली इंडिया से एक हिंदू और शादीशुदा लड़की को मुझसे प्यार हो गया। आज एक हिंदू लड़की ने मुझे अपनी नूड्स भेज दी। आज मेरा एक हिंदू दोस्त शिव जी की छोटी सी मूर्ति को दूध पिला रहा था। इतने में मेरे साथ खड़े दोस्त बोले, अरे वो देखो कुत्ते के प्राइवेट पार्ट को दूध से नहला रहा है। हेलो जी, हिंदू लड़कियां, हिंदू हिंदू कल्चर या हिंदू भगवान को टारगेट करके पैसा और टीआरपी कमाने वाले मीडिया और बॉलीवुड वाले तो थे ही सही, लेकिन इसी रेस में शामिल हो चुके हैं अब पाकिस्तान के कुछ इन्फ्लुएंसर। सैयद अजान ये एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है। पाकिस्तान से याद आया कि वहां की इकोनॉमी के इतने गंदे लगे हैं कि लोग दाल और आटे के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का खाना खत्म हो रहा है। पाकिस्तान पिछले 50 सालों के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पूरे देश के पास सिर्फ अगले 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स का पैसा है और उसके बाद दी एंड। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो दो प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इम्पोर्ट करते हैं। सैयद चटले, सैयद जो एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है जो अपने वीडियोस के अंदर घरेलू नुस्खे रेमेडीज बताता है, ऐसा क्या हुआ कि इंडिया के हर रोस्टर्स अब उनको टारगेट कर रहे हैं? ये बंदा पाकिस्तानी इंस्टाग्राम स्किन एक्सपर्ट है और इसके अकॉर्डिंग जितने भी पीड़ित हैं वो सारे इंडियन हिंदू हैं। बीइंग अ सेल्फ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट विदाउट अ फकिंग डिग्री, इनका कंटेंट हमारे देश हिंदुस्तान स्पेशली हिंदूज को बहुत नीचा दिखाता है। एक हफ्ता पहले इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की का मैसेज आया, कहने लगी अजान इस पिगमेंटेशन का कुछ करो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ, सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करूंगी। हफ्ता पहले मुझे इस लड़की का मैसेज आया इंडिया बैंगलोर से, कहने लगी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे इन खुश्क और फटे होठों का कोई नुस्खा बताओ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करूंगी। इंडिया लुधियाने से ये भाई साहब मुझे अपने दांतों की तस्वीर भेजते हुए बोले कि भाई इन पीले दांतों का कुछ कर, तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत नाम सुन के आया। द पॉइंट इज कि सैयद एक फर्जी ठेला छाप और बिना डिग्री वाला डॉक्टर है जो घरेलू नुस्खे बताता है गूगल से पढ़ के, बेसिकली पाकिस्तान का मृदुल मोदक। लेकिन मेरा पॉइंट है कि वो रेमेडीज या फिर घरेलू नुस्खे बताने के पहले किसी इंडियन लड़की का पिक्चर यूज करता है बिना परमिशन, उसके ऊपर गंदी सी भद्दी सी एडिट और उसके बाद एक रेसिस्ट कमेंट। इस तरह के भद्दे वीडियोज बना के ये अपना कॉन्टेंट और पैसा बनाता है। सैयद मुझे पता है कि तेरे मुल्क में पढ़ाई से ज्यादा ध्यान लुगाई पे दिया जाता है, इसलिए मैं बता दूं कि अगर तू इंटरनेट से किसी लड़की की फोटो किसी सोशल मीडिया पे यूज करेगा तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसकी फोटो उठा के ऊपर रेसिस्ट कमेंट करके अगर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेगा तो तेरे ऊपर डिफेमेशन का केस हो सकता है। और अभी तेरे अब्बू छोड़ तेरे पीएम के पास भी पैसा नहीं है। पूरे देश के पास सिर्फ अगले 3 हफ्तों के इम्पोर्ट्स का पैसा है और उसके बाद दी एंड। यार पाकिस्तान से मुझे सुअर का मतलब सैयद का मैसेज आया है, कहता है दीप भाई मेरा जो चेहरा है वो काला हो गया है तो कुछ कर दो, मैं जो बोलोगे करूंगा, मैंने बोला मुंह में दूंगा, तो फिर मैंने इसके मुंह पे मुंह दिया और अब इसका चेहरा देखो देखो भाई, ये फोटोशॉप एडिट करना बंद कर दे। खैर डिफेमेशन से याद आया कि कैसे ये जाहिल हिंदू लड़कियों को लेके फेक स्टोरी बनाता है। आज एक हिंदू लड़की ने मुझे अपनी नूड्स भेज दी। पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक हिंदू लड़की ऐसा कर सकती है, लेकिन फिर वो वीडियो कॉल पे आई और वीडियो कॉल पे मेरा नाम लेके कहने लगी कि आओ ना, और फिर उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, उसी टाइम मैंने वीडियो कॉल कट कर दी। एक बार कन्फर्म करने के लिए मैंने उससे पूछा कि आप हिंदू हैं, तो कहती है हाँ मैं हिंदू हूँ, और फिर उसने मुझे अपना नाम भी बताया। फिर मैंने उसे बोला कि मैंने सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ी हैं, हिंदुइज्म में तो कहीं नहीं लिखा कि एक औरत को ऐसा करना, फिर आप क्यों ऐसी हरकतें कर रही हैं? अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से समझो तो एक लड़की नहीं एक हिंदू लड़की ने न्यूज़ भेजे पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को टारगेट, की पाकिस्तान की आवाम को लगना चाहिए कि न्यूज़ कौन भेजती है, एक हिंदू लड़की, और इसके चुतिया में यहाँ पे खत्म नहीं होते। फिर मैंने उसे बोला कि मैंने सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ी हैं, हिंदुइज्म में तो कहीं नहीं लिखा कि एक औरत को ऐसा करना, फिर आप क्यों ऐसी हरकतें कर रही हैं? अगर आपको कोई पैसों का मसला है तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद कर देता हूं। हिंदू शास्त्रों को छोड़ दे, क्या तेरे स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है कि हिंदू या फिर किसी लड़की की इमेज को खराब कर दो थोड़े से पैसों के लिए? कहने लगी नहीं नहीं और किन हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हो, हिंदुइज्म में तो औरत जात का इतना अपमान किया जाता है। क्लियरली तुम लोग देख सकते हो, पहले हिंदू फिर एक हिंदू लड़की और अब हिंदू स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्रों का मजाक। तो ये कंटेंट नहीं, ये एक एजेंडा चला रहा है।
दिल्ली इंडिया से एक हिंदू और शादीशुदा लड़की को मुझसे प्यार हो गया। अभी टाइम पहले मैंने शिवलिंग पर एक वीडियो बनाई जो उनको काफी अच्छी लगी और उनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ गई और काफी दफा हमारी वीडियो कॉल के ऊपर बात भी हुई, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे नहीं पता था उनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। करीब 3 दिन पहले दोनों पति पत्नी के दरमियान बहुत बुरे वाला झगड़ा हो गया। लड़ाई करने के बाद वो लड़की अपने माता पिता के घर चली गई एंड दैट डे मैंने उनको वीडियो कॉल की एंड शी वॉज होल्डिंग हर टीयर्स बैक। और फिर मैंने उनसे पूछा क्या हुआ और उन्होंने रोना शुरू कर दिया और उनके दिल में मेरे लिए जो फीलिंग्स थी वो उन्होंने सब बता दी। एक शादीशुदा लड़की को इससे प्यार हो गया और शादीशुदा कौन सी? हिंदू। पहली बात, अगर भाईजान आप इतने मासूम ही हो तो एक शादीशुदा लड़की से तुम वीडियो कॉल पे बात ही क्यों करते हो? और दूसरी बात, ऐसे अब्बू मैं तेरे को बता रहा हूँ, अपने दिमाग में डाल ले कि इस पूरी दुनिया में अगर तू आखिरी मर्द भी बाकी हुआ ना तो इंडिया की कोई लड़की जैसे शादी तो छोड़ बात भी नहीं करेगी। लेकिन फिर से इस फेक स्टोरी को घुमा फिरा के लाया जाता है हमारे कल्चर या फिर शास्त्रों पे। मैं हैरान रह गया क्योंकि मेरे अपने रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं और इंडिया के कल्चर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वहाँ की लड़कियाँ तो बहुत लॉयल होती हैं। एक हिंदू लड़की मेरे को न्यूड भेजती थी, यार इंडियन स्क्रिप्चर्स में तो ऐसा नहीं लिखा। एक हिंदू शादीशुदा लड़की को मेरे से प्यार हो गया, यार इंडियन कल्चर में तो ऐसा नहीं होता। हमारा शास्त्र, हमारा कल्चर, इवन इसने हमारे भगवान को भी टारगेट किया। आज मेरा एक हिंदू दोस्त शिव जी की छोटी सी मूर्ति को दूध पिला रहा था, इतने में मेरे साथ खड़े दोस्त बोले, अरे वो देखो कुत्ते के प्राइवेट पार्ट को दूध से नहला रहा है। इसकी वीडियोस के अंदर दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट हाफ जहाँ पे एक फेक स्टोरी बताता है हमारे भगवान हमारे कल्चर के बारे में कुछ भी उटपटांग बोलता है, और सेकेंड हाफ जहाँ पे ये हेट से बचने के लिए खुद को उस स्टोरी के अंदर हीरो बता देता है। उनमें से एक लड़का बोला, कहता है कि उनको दूध की क्या जरूरत है, इतने पैसे वेस्ट कर रहे हो, यही किसी गरीब को दे दो, रख के दी कान के नीचे। गालियां और हेट से बचने के लिए कैप्शंस में डाला है, रिस्पेक्ट एवरीवन्स रिलीजन। अगर ऐसा ही है तो फिर तेरी हर वीडियोस के अंदर सिर्फ हिंदू लड़कियों का जिक्र क्यों होता है चूती? खैर, इंटरनेट में सेक्युलर और दंगों में पत्थर फेंकने वाला सैयद इंडिया की न्यूज भी बताता है। इंडिया में केरला या करेला नाम का एक सिटी है। करेला नहीं, केरला। केरला इंडिया का एक स्टेट और करेला तेरी मम्मी से पूछ। करेला के एक एग्जाम सेंटर में बहुत से स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देने आए। इस एग्जाम से पहले हर स्टूडेंट की चेकिंग होती है। इस चेकिंग के दौरान काफी सारी लड़कियों की ब्रा उतरवाई गई। ओ यार, इंडिया अपने कल्चर की वजह से जाना जाता है। हाँ, मैं समझ गया कि घूम फिर के तेरे को इंडियन कल्चर पे आना है, लेकिन लेट मी क्लियर वन थिंग, ये जो इसने केरला की न्यूज दी है, जब वहाँ पे नीट की एग्जाम हुई थी तो ये सच में हुआ था। लेकिन उन सभी लड़कियों के पेरेंट्स ने उनके हक के लिए आवाज उठाई थी और जो भी टीचर और स्टाफ था वहाँ पे एग्जाम सेंटर्स में, उनके खिलाफ इनह्यूमन एक्ट आईपीसी के सेक्शन 354 और 509 के तहत उनके ऊपर कार्यवाही भी हुई और उन सभी लड़कियों की री एग्जाम हुई थी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सैयद कि हमारे मुल्क में अपनी बेटी के लिए माँ बाप लड़ते हैं, तुम्हारे मुल्क की तरह नहीं। बाकी सैयद, अगर तू वीडियो देख रहा है तो देखना बंद कर दे, जितनी वीडियो देखेगा बैटरी बैठेगी तो चार्जिंग करना पड़ेगा, तेरे मुल्क में बिजली खत्म हो रही है। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स को ये इंस्ट्रक्शन है कि 8:30 के पहले सारी बत्तियां बुझा देनी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रही है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं तुम्हें एक इतने कमाल का फेस वॉश बताने वाला हूँ ना जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए है। इस फेस वॉश को बनाने के लिए तुम लोगों ने ले लेना थोड़ा सा आटा। ए, वो सब ठीक है, लेकिन झूठ क्यों बोल रहा है? मतलब तेरे यहाँ आटा कहाँ से आया? पाकिस्तान का खाना खत्म हो रहा है। खैर, ये पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर सैयद अपने आप को वीडियो के अंदर फरिश्ता बताता है। आज मेरा एक दोस्त एक हिंदू लड़की की नूड्स लीक करने वाला है और ये वही हिंदू लड़की है जिसने अफताब और श्रद्धा के केस की वजह से मेरे दोस्त के साथ ब्रेकअप किया। मेरी बात मान के उस हिंदू लड़की ने उस कमीने के साथ पैचअप किया और अब उसने उसकी गंदी तस्वीरें मंगवा ली उस लड़की की, और वो लड़की यहीं लाहौर में रहती है और एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। मैं समझ गया सैयद कि वो एक हिंदू लड़की है, अब स्टोरी सुना। दोस्त मुझसे कहने लगा कि आइंदा के बाद अगर इसने मुझसे ब्रेकअप करने का सोचा भी तो ये तस्वीरें और वीडियो मैं वायरल कर दूंगा और इसको देख के मर्द अपनी आंखें सेकेंगे। मैंने कहा अच्छा, ऐसी बात है, चल मुझे भी सेंड कर, मैं भी जरा रात को उस लड़की को देख के जरा। जैसे ही उसने अपना फोन निकाला वो वीडियो और पिक्चर्स मुझे सेंड करने के लिए, धड़ाम से फोन खींच जमीन पे मार के तोड़ दिया। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर तेरा बेस्ट फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रहा है इसको लेके, तो तू पुलिस में कंप्लेंट कर सकता था। सेकंड चीज, इसका दोस्त इसके कहने पे उसकी गर्लफ्रेंड के इसको क्यों दिखाएगा? और सुन, उसका फोन तोड़ देने से उस लड़की की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो वो केरला वाला करेला अपनी में ले और चलता बस। यार आजकल ये इंडिया की लड़कियों को हो क्या गया? मुझे आज एक लड़की का मैसेज आया जो कि इंडिया से थी। मैं देखकर शॉक्ड हो गया, काफी खूबसूरत शक्ल की लड़की थी वो, लेकिन बातें उसकी इतनी वाहियात और इतनी गंदी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उसके कुछ मैसेजेस इस तरह से थे कि मैं इंडिया से हूँ, मैं हिंदू हूँ, इस वजह से आप मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे। डियर सैयद, तेरे अब्बू आए तो मैं तेरे को बता देता हूँ कि हम इंडिया के अंदर रिप्लाई देते हैं, रिप्ले नहीं। तो अब तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस चैट की तरह इसकी स्टोरीज और इसकी वीडियोस सभी फेक होती है। अपने कॉन्टेंट के जरिए ये हिंदू लड़कियों और हिंदू कल्चर का मजाक बनाता है
ताकि इसको कुछ लोग फॉलो करें। और इस जाहिल को भी पता है कि हिंदू की जगह अगर ये किसी और कम्युनिटी का नाम ले लेता ना तो अभी तक पाकिस्तान में इसको जिंदा जला चुके होते। और चलो मैंने मान लिया कि तेरे पास पैसा नहीं है, तो कुछ पैसे और सस्ती फेम के लिए ऐसे वीडियोस बनाता है, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत गंदा है। मेरा पहला पॉइंट है हेल्थ या फिर स्किन इशू। इस रेमेडी को बनाने के लिए तुम लोगों ने ले लेना एक चम्मच पोटैटो जूस, एक चम्मच टर्मरिक। मेरा पॉइंट ये है कि ये चुटिया तो नुस्खे देके चले गया, लेकिन जो पोटैटो जूस होता है वो हर किसी को सूट नहीं करता। इचिंग, इरिटेशन या ये भी हो सकता है कि तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो। तो पहला पॉइंट यही है कि इन जैसे झोला छाप और बिना डिग्री वाले डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, जब इस जैसा एक नाली का कीड़ा वहां से आएगा और हिंदू कल्चर के ऊपर बोल के फेमस होगा, तो वहां से बहुत सारे लोग आएंगे जो सस्ती फेम के लिए ऐसी ओछी हरकतें करेंगे। थर्ड पॉइंट, ये मिसलीडिंग कंटेंट बनाता है जिससे हिंदू लड़की और हिंदू कल्चर डिफेम हो रहा है। तो मेरे इंडिया के भाइयों, मिसलीडिंग कंटेंट को हमेशा रिपोर्ट करना चाहिए। तो यार एंगेजमेंट मत बढ़ाओ गालियां देके, सीधे रिपोर्ट करो और पेज उड़ाओ। तो जो कंटेंट अभी मैं बना रहा हूं, ये मैं बनाते रहूं, उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करो। और सही सुन, जा गाड़ी और बसों के पीछे दौड़, घर में आटा खत्म हो रहा है। गांड जैसे कोई बम, न खींचू मैं दम, न किसी से कम, मैं सबका बाप, सबसे हार्ड मत लगनाथ, बिना कोई बात।